हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। ये है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। अन अकेडमी यूपीएससी पर डेली मॉर्निंग मैं लेकर आता हूँ आपके लिए करंट मंथन। और आज करंट मंथन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये फटाफट से शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। आज 9 सेप्टेम्बर है और लेट्स लुक कि आज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास करंट अफेयर्स में डिस्कस करने के। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्वेशन से संबंधित, है ना। सबसे पहला टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ रिजर्वेशन, है ना। रिजर्वेशन में भी कास्ट बेस्ड, है ना, मतलब कास्ट बेस्ड से मेरा यहाँ पर ही तात्पर्य है कि विद इन कास्ट, है ना। हम कई बार, एक तो देखो, एक रिजर्वेशन ऐसा है कि जी ओबीसी का रिजर्वेशन है, एक तो हमने ये बोला, एक हमने बोला ओबीसी के भी अंदर, है ना, ओबीसी के भी अंदर किसी कम्युनिटी के लिए कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन। तो दो बातें हो गई, दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना, दोनों अलग अलग बातें हैं। चलिए, दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। तो एक ओबीसी का रिजर्वेशन, एक ओबीसी के अंदर किसी पर्टिकुलर, है ना, कम्युनिटी का रिजर्वेशन। तो अभी हाल में ही तमिलनाडु ने, है ना, तमिलनाडु ने एक अपने असेंबली में एक बिल लेकर आए और इससे, इस बिल के माध्यम से 10.5% रिजर्वेशन ये दे रहे हैं वन्याकुला, है ना, क्षत्रिय को। वन्याकुला क्षत्रिय कम्युनिटी है, उनको ये कितना परसेंट रिजर्वेशन दे रहे हैं, 10.5%। किस कोटे में जी? मोस्ट बैकवर्ड क्लास के अंदर और डीएनसी यानी कि डी नोटिफाइड कम्युनिटीज के अंदर इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अच्छा, अब सर थोड़ी देर पहले तक तो आप ये बताया करते थे कि जो इस तरह के कम्युनिटीज हैं, है ना, कोई बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको सिर्फ और सिर्फ सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी को सिर्फ केंद्र सरकार, सिर्फ प्रेसिडेंट साहब ही नोटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बट उसके बाद मैंने आपको एक दिन ये भी पढ़ाया कि अभी रिसेंटली, है ना, एक 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। कितनावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? संविधान संशोधन नंबर 105। संविधान संशोधन 105 कहता है कि अब से राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी कि स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है, वो भी अपना लिस्ट बना सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का, है ना। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का लिस्ट राज्य और यूटीज बना सकते हैं अपने स्तर पर। और इस वर्ष से जो 27% रिजर्वेशन है वो आपको पता ही है, मेडिकल में और डेंटल कोर्सेज में भी मिलेगा, है ना। ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन मेडिकल में नहीं था, वहां पे भी हो गया है, ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि सर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, बट रिजर्वेशन में हम आजकल विद इन, है ना, ओबीसी अलग अलग कास्ट के लिए अलग, जैसे मराठा के लिए इतना परसेंट रिजर्वेशन है इसके लिए। तो भैया एक, है ना, कैलकुलेशन समझना पड़ेगा और इस कैलकुलेशन को समझने के लिए, इस डेटा को समझने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं जो कि है एससीसीसी यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, है ना। तो एक तो है सेंसस जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो सेंसस जो है वो ओवरऑल, है ना, ओवरऑल पिक्चर देता है इंडियन पॉपुलेशन का, और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है ये क्या करता है जी, दिस इज अ टूल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज ऑफ स्टेट सपोर्ट, है ना। सेंसस फॉल्स अंडर द सेंसस एक्ट 1948 और ऑल डाटा आर कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल। पूरा का पूरा डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल है सेंसस के अंदर। यहां पे आप जो देखेंगे एससीसीसी के अंदर जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किया गया, है ना, दैट इज ओपन फॉर यूज बाय गवर्नमेंट, है ना, टू ग्रांट एंड टू रेस्ट्रिक्ट बेनिफिट टू हाउसहोल्ड। किसको बेनिफिट देना है किसी पर्टिकुलर स्कीम में, किसको नहीं देना, है ना, उसके लिए इस एसईसीसी का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है जी। चलिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है फटाफट से देख लेते हैं। एक है हमारा आर्टिकल नंबर 15, एक है आर्टिकल नंबर 16। 15 के अंदर 15(4) और 15(5) और 16 के अंदर 16(4), है ना। तो जो सोशियो इकोनॉमिक, है ना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं हमारे, दे आर परमिसिबल बट मेंट ओनली फॉर दोज ओबीसी विच आर नॉट एडुकेटली, है ना, प्रेजेंटेड। तो सिर्फ ऐसे ओबीसी के लिए जो एडुकेट प्रेजेंटेशन जिनका नहीं हो पा रहा। कोर्ट जजमेंट्स के लिए देखिए जरा, है ना, कोर्ट जजमेंट के लिए देखिए, 1992 में इंदिरा साहनी केस आया, है ना, और इन्होंने बोला कि एक कैप होना चाहिए कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ना हो, है ना, मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस टू जस्टिफाई द क्वांटम टू एक्सीड कैप, है ना, बोले 50% का कैप होना चाहिए और सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में ही इस कैप को ब्रीच करने का आपको
है ना, परमिशन दिया जाएगा। तो अब फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि भैया आखिर ये सब कैटेगराइजेशन की जरूरत क्यों? हमने ओबीसी बोल दिया, इतना काफी नहीं था क्या? अब ओबीसी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन की जरूरत है क्या? द आंसर इज यस, जरूरत है। रिजर्वेशन आप देखेंगे तो दिस हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर मेनी ग्रुप्स ऑफ हेटरोजेनस सोसाइटी, है ना। सभी को बराबरी से रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, है ना। आप देखेंगे ओबीसी में भी आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल निचले तबके पर हैं, रिजर्वेशन का कुछ भी बेनिफिट उनको देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ फैमिलीज हैं, आप एससीज में देखेंगे कुछ फैमिलीज हैं जो भैया उनके पापा आईएएस हैं, है ना, दादाजी आईएएस थे, फिर है ना, द सन विल बी आल्सो बी डूइंग समथिंग एंड दे आर कंटिन्यूअसली यूजिंग द बेनिफिट। बट ऑन द सेम प्लेस कि देयर आर अदर, है ना, कम्युनिटीज, मतलब उसी कास्ट, माने उसी, है ना, सेगमेंट के अंदर दूसरी जो कुछ सब कैटेगरीज है वो देखेंगे आप कि कोई भी बेनिफिट नहीं डिराइव कर पा। तो एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 2015 में, है ना, कहता है कि एम्फेसाइज्ड ऑन नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसी, है ना, बोले ओबीसी का भी क्लासिफिकेशन जरूरी है जिससे कि स्ट्रीमलाइन किया जा सके क्रीमी लेयर वगैरह के प्रोविजंस को, है ना, टू एंश्योर फ्री इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम बात करेंगे रोहिणी कमीशन की, है ना। तो रोहिणी कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन 2017 में, ठीक है। पर्पस क्या? सब कैटेगराइजेशन ऑफ कम्युनिटीज इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। ठीक है, अब सवाल ये है कि भैया क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो यहाँ पर एड्रेस करने हैं, है ना, व्हाट ऑल आर द इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस। बोले ये सब चीजों में आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन की जरूरत है क्रीमी लेयर की। हम बात तो कर रहे हैं क्रीमी लेयर की, बट एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे तमिलनाडु में फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो एफ्लुएंट सेक्शंस हैं, है ना, जो एफ्लुएंट सेक्शंस हैं या जो क्रीमी लेयर है बैकवर्ड क्लास में, दैट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन, है ना, उसको रिजर्वेशन से एक्सक्लूड करना चाहिए। जो एनुअल इनकम लिमिट है इज वन ऑफ द पैरामीटर्स दैट डिटरमाइन, है ना, क्रीमी लेयर। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जी, है ना, वी ऑब्जर्व दैट Since September 1993, है ना, this was revised only 5 times, है ना, सिर्फ 5 बार रिवाइज किया गया है, और जबकि हर 3 साल में रिवाइज करना था। और कितनी बार रिवाइज किया गया? सिर्फ, है ना, 5 बार। रिवाइज कितनी बार करना था? हर 3 साल। तो आप देखेंगे नॉर्म्स लाइक जीडीपी इन्फ्लेशन, है ना, पर कैपिटा इनकम एंड राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, दे शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड हियर। ठीक है भैया, समाज में जब लोग रह रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना। ठीक है, वी ऑल्सो सी कि इनकम फ्रॉम सैलरी एंड एग्रीकल्चर आर नॉट कंसिडर्ड, बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इज टेकन इन टू अकाउंट, है ना, अदर सोर्सेस के इनकम को हम अकाउंट में लिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक, डिफ्रेंसिएशन जो है वो जाहिर सी बात है थोड़ा अनफेयर है, और क्विकली हमें, है ना, क्विकली हमें काम करना चाहिए भैया कि ओबीसी वगैरह के पोस्ट वगैरह हम फिल करें इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करके। पार्लियामेंट्री कमेटी हाइलाइटेड ओबीसी एम्प्लॉयज इन 78 मिनिस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली 21% अगेंस्ट स्टिपुलेटेड कोटा ऑफ 27%, है ना। तो मतलब काफी सारी वैकेंसीज ओबीसीज की हैं, इन चीजों को रेक्टिफाई कीजिए और रेक्टिफाई करके फिर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हाइड्रोजन फ्यूल इकोनॉमी, है ना। आइए फटाफट से हाइड्रोजन फ्यूल इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। देखिए, आपको पता ही है इंडिया जो है वो क्लीन एनर्जी के पीछे आजकल काफी, है ना, काम कर रहा है। इंडिया में काफी काम चल रहा है, इनफैक्ट मतलब दुनिया के कई सारे देश कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल पे काम, बट इंडिया में भी काफी, है ना, मतलब जोर शोर से काम चल रहा है। तो करंट ग्लोबल प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन का, दैट इज अबाउट 80, है ना, मिलियन मेट्रिक टन, 80 बिलियन मेट्रिक टन, एंड इज ऑलमोस्ट होली प्रोड्यूस थ्रू फॉसिल फ्यूल्स, है ना, फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से प्रोड्यूस किया जा रहा है। लगभग लगभग आप देखेंगे ये 6% ग्लोबल नेचुरल गैस को यूज करता है। इट यूजेस 6% ऑफ ग्लोबल नेचुरल गैस एंड 2% ऑफ कोल। आपको मैंने अभी रिसेंटली एक दिन हाइड्रोजन फ्यूल के, है ना, अलग अलग तरीके से कैसे बनता है वो बताया है, अभी रिसेंटली शायद स्पेशल क्लास में बताया था। तो 6% ग्लोबल नेचुरल गैस, 2% कोल का उपयोग कर रहे हैं, एंड कंटिन्यूज, है ना, अ हॉपिंग 830 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दैट इज ह्यूज, है ना। तो दिस, अगर हम इस रास्ते से हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो ऑप्टिमल नहीं है ना भाई, है ना। तो हमें इसके बियॉन्ड कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, है ना, वी विल हैव टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स।
कमिंग ईयर्स में हाइड्रोजन माइट ट्रांसेंड फ्रॉम फ्रिंज टू मेन स्ट्रीम स्टेटस, इट इज नॉट फेयर, है ना, इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हैव बीन विटनेस्ड इन इंडिया, है ना। तो भैया ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हम हाइड्रोजन में कोशिश कर रहे हैं, कहीं और हमने अचीव किया, तो भैया जिस, है ना, न्यूज की हम बात कर रहे हैं जहां से हमने ये आर्टिकल उठाया, वहां पे लिखते हैं कि भैया जनधन के अंदर हमने ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया, जनधन का रोल आउट, है ना, नो फ्रिल बैंक अकाउंट रिज्ड, कितना, 400 मिलियन इन जस्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, डेटा यूजर्स के टर्म में आप देखेंगे तो हमने एक लीप लिया वहां पे फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ ग्लोबल रैंकिंग इन अ शॉर्ट टाइम, है ना, थैंक्स टू रिलायंस जियो ऑब्वियसली। एलईडी यूजर्स में आप देखेंगे इंडिया का मार्केट जो है वो 130 टाइम्स बढ़ा, है ना, 5 सालों में। एनुअल सेल्स 5 मिलियन एलईडी का होता था 2014 के अंदर, और वो एनुअल सेल कितना हो गया, 670 मिलियन का, है ना, 2018 के अंदर। तो एक मतलब ड्रामेटिक इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है ना, वेरी ड्रामेटिक इंक्रीज। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, है ना, द क्वेश्चन हियर इज कि भैया इस ड्रामेटिक इंक्रीज की जो मतलब हम बात कर रहे हैं, क्या हम सेम चीज हाइड्रोजन में रेप्लीकेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कि कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया? बिकॉज वी डू हैव द टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो भी किया जा सकता है। एक्सपोनेंशियल स्केल इफेक्ट इन दीज एग्जाम्पल्स हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन ब्रिंगिंग डाउन यूनिट कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे एक एलईडी बल्ब, है ना, बाय नियरली 85%, है ना, एक एलईडी बल्ब का कॉस्ट जो है वो लगभग 85% घटा है। शुरुआत में आपको याद होगा एलईडी काफी महंगा हुआ करता था, तो एक ड्रामेटिक ड्रॉप आपको डेटा प्राइसेस में भी देखने को मिला है। अब, है ना, आप कितने, मतलब 555 रुपये का रिचार्ज करते हो या 600 रुपये का, और 3 महीने डेटा यूज कर रहे हैं आप, तो बहुत सस्ता हो गया है। ठीक है, तो ऐसा ही हाइड्रोजन में भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा ही हाइड्रोजन में भी पॉसिबल है, ठीक है, कि मास स्केल पर प्रोडक्शन और फिर सस्ता। अब ग्रीन हाइड्रोजन का एप्लीकेशन, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन का एप्लीकेशन, तो भैया हमारा जो डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट है उसमें काफी सिग्निफिकेंट साबित होगा ये, एंड हैज एप्लीकेशन इन अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, मेनली तो उसी में यूज करना है हमें, ट्रक्स, बसेस, कार, रेल, है ना, फीड स्टॉक फॉर फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, है ना, रिफाइनरीज, इन सभी जगहों पर इसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, चलो अब सवाल यह है कि हाइड्रोजन, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम इंडिया में काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम चल रहा है। 31 कंट्रीज, है ना, ने ऑलरेडी अपनी हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी अनाउंस कर दिया है, 31 कंट्रीज, एंड दैट इज नॉट स्मॉल। ठीक है, तो काफी सारे देश आप देखेंगे ईयू में इन्वेस्टमेंट, है ना, कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स पर, है ना, चाइना में भी ये चीजें चल रही हैं। 75 देश से ज्यादा, है ना, देशों, 75 से ज्यादा देशों में आप देखेंगे, 75 से ज्यादा देशों में आप देखेंगे कि नेट जीरो कार्बन एम्बिशन है ना, फॉर विच हाइड्रोजन इज ऑब्वियसली इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, इसीलिए पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 22% ग्लोबल एनर्जी नीड जो है 2050 तक वो हाइड्रोजन बेस्ड होगी, है ना। हाउएवर रियलाइजेशन ऑफ दिस विजन फॉर इंडिया रिक्वायर सेवरल थिंग्स। तो भैया क्या जरूरी है, क्या करना पड़ेगा? बोले एक तो हमें इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए, दूसरा, है ना, डिमांड में भी हमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, पता चला हम प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और मार्केट का डिमांड ही नहीं इतना। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है, जैसे कि पाइपलाइन नेटवर्क्स एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी, है ना, दिस कैन बी एक्सीलरेटेड थ्रू प्रूवन बिजनेस मॉडल, जैसे कि मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप, है ना, विच आर कॉमन इन द वेस्ट एंड अलाउ प्राइवेट कैपिटल टू पार्टिसिपेट इन स्केलिंग अप एफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अगला टॉपिक है पाम ऑयल, है ना। तो पाम ऑयल पर आजकल काफी जोर है, एडिबल ऑयल आपको पता है, हम लोग, है ना, समोसे, छोले भटूरे और पता नहीं पूरियां, कचौरियां, क्या क्या खाते रहते हैं, है ना, फ्राइज, ठीक है, और एडिबल ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े इंपोर्टर हैं हम, दुनिया के सबसे बड़े। और ऐसे में फिर एक सब्स्टिट्यूट की तरफ हम लोग देखते हैं पाम ऑयल। इम्पोर्ट में भी आप देखेंगे खूब सारा पाम ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं, और अब, है ना, इंडिया में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, जो कि, है ना, जिस आर्टिकल से हमने ये न्यूज उठाया वहां पे कहना है कि इतना ज्यादा फोकस पाम ऑयल पर नहीं देना चाहिए। क्या दिक्कतें हैं पाम ऑयल से संबंधित, पहले वो बताऊंगा, फिर आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे। बोले देखिए, पाम ऑयल का जो गेस्टेशन पीरियड है ना, पाम ऑयल का जो गेस्टेशन पीरियड है वो थोड़ा लंबा है, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, मतलब इसके डेवलपमेंट में समय लगता है जी, है ना, इसके डेवलपमेंट में समय लगता है, और चूंकि डेवलपमेंट में समय लगता है तो फार्मर की चॉइसेस कम हो जाती है भैया, इतने में वो क्रॉप, है ना, क्रॉप में चेंजेस कर सकता है, क्योंकि देखो फार्मर्स जो हैं
वो हमेशा मार्केट के हिसाब से काम करते हैं, कैसा डिमांड उसके हिसाब से चेंज कर लिया। तो अगर कोई दूसरा क्रॉप लगा रहे हैं तो वो मार्केट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, पर पाम का तो जेस्टेशन पीरियड ही लंबा है ना, तो एक बार लगाया तो फिर तुरंत चेंज नहीं कर सकते, मतलब उनकी चॉइसेस लिमिट हो जाएंगी, है ना। अब रीसेंट जो इंक्रीज है पाम ऑयल में, है ना, पाम ऑयल के प्राइसेस में, उसके क्या वजह है पहले ये समझिए। बोले लोअर प्रोडक्शन सबसे बड़ा कारण है ना, लोअर प्रोडक्शन क्यों, क्योंकि लेबर शॉर्टेज हो गई सर पेंडेमिक की वजह से इंडोनेशिया और मलेशिया में, है ना, और प्रोडक्शन लो हो गया, और आप देखेंगे डिमांड जो है कुछ देशों में चाइना जैसे देशों में ज्यादा हो गया, है ना। और साथ ही साथ सोय ऑयल का डायवर्जन फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल इन यूएस, है ना, सोय ऑयल जो है उसका डायवर्जन हो रहा है, तो भैया यहाँ लोगों को खाने में नहीं मिल रहा, यूएस वाले बायोडीजल बनाने के पीछे पड़े, क्या मतलब है। चलिए, जो होम ग्रोन एडेबल ऑयल है जैसे कि मस्टर्ड वगैरह है, ग्राउंड नट है, वो लिमिटेड है आपको पता है, और इसीलिए फिर हमारी सारी की सारी जरूरतें जो है, मतलब ज्यादातर हम अपनी जरूरतों के लिए पाम ऑयल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऑयल पाम लो मेंटेनेंस है और यील्ड ज्यादा निकलता है, पेरिनियल प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है, पेरिनियल प्लांटेशन क्रॉप है, तो इट इज वन ऑफ द इसेंशियल फूड आइटम्स, है ना, सच एज अनियंस एंड पल्सेस एंड वाइडली यूज बाय मेजोरिटी ऑफ इंडियंस। पाम ऑयल इज नाउ वाइडली यूज फॉर ब्लेंडिंग एंड एडल्टरिंग, है ना, रिफाइंड ऑयल्स, ठीक है, ब्लेंडिंग और एडल्टरिंग में काफी ज्यादा यूज है इसका, रिफाइंड ऑयल जो आप खाते हैं, है ना, जो मतलब धड़ल्ले से मार्केट में मिलता है उसमें, ठीक। फ्रेश फ्रूट बंचेस ऑफ पाम यील्ड एटलीस्ट 5 टाइम्स मोर ऑयल, है ना, पर यूनिट लैंड कंपेयर टू अदर ऑयल सीड्स, है ना, कितना, 5 गुना ज्यादा तेल निकलता है, 5 गुना ज्यादा, मतलब 1 किलो दूसरा ऑयल सीड ले लो और 1 किलो पाम, है ना, सीड ले लो, उसमें 5 गुना ज्यादा तेल निकलेगा सर, है ना, तो सस्ता सुंदर टिकाऊ वाली बात हो गई, है ना। पाम ऑयल चीप है ना, नियरली ज्यादातर हम जो भारत में यूज करते हैं ज्यादातर इम्पोर्टेड है, अभी भले ही कॉस्ट बढ़ा है, अदरवाइज मतलब यूजुअली दिस इज चीप, ठीक। दिस अकाउंट्स फॉर अ थर्ड ऑफ इंडियाज एडेबल ऑयल कंजम्पशन, है ना, एक तिहाई कंजम्पशन हमारा यहीं से पूरा होता है। ओवरऑल इंडिया इम्पोर्ट 60% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, है ना, जितना पाम ऑयल हम यूज करते हैं उसका 60% हम इम्पोर्ट करते हैं। टू ऐड टू दिस मिक्स, इंडिया इज कंज्यूमिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड सोय ऑयल, जो कि हम कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, अर्जेंटीना से और ब्राजील से, हम अपने देश में जीएम क्रॉप्स की बोल रहे हैं, नहीं नहीं जी, और जहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं वहां से फिर आ रहा है उसका क्या। टुगेदर इम्पोर्टेड पाम और जो सोय ऑयल है, दिस अकाउंट फॉर क्लोज टू हाफ ऑफ इंडिया एनुअल एडेबल ऑयल कंजम्पशन, है ना, और इससे जो होम ग्रोन ऑयल सीड्स है उसका प्रोस्पेक्ट खराब हो रहा है सर। सो इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन पाम ऑयल, हमें डोमेस्टिक जो इंडिजिनस ऑयल सीड्स हैं उनके प्रोडक्शन पर फोकस करना चाहिए। मिशन पाम ऑयल भी अभी हमने अगस्त के महीने में लॉन्च किया, है ना, वी लॉन्च मिशन पाम ऑयल व्हेन इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब ये मिशन पाम ऑयल का क्या उद्देश्य है जी, है ना, व्हाट इज द उद्देश्य ऑफ मिशन पाम ऑयल, पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, बट इसके साथ काफी सारे लिमिटेशंस हैं, काफी सारे मुद्दे जुड़े हुए। पहली बात, कहीं ना कहीं हम इंडिजिनस ऑयल क्रॉप्स को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इंडिजिनस ऑयल क्रॉप को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। पॉलिसी ऑल्सो कंप्लीटली इग्नोर्स, है ना, ऑयल्स दैट आर ऑलरेडी नेटिव टू इंडिया, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, नेटिव ऑयल इंडिजिनस किसको किसको कह रहे हैं, मस्टर्ड है, ग्राउंड है, ग्राउंड नट है ना, सिसमे ऑयल है आपका, कोकोनट है, तो इनको तो हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है, इनको हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, ठीक। तो भैया करंटली लगभग लगभग हाफ ऑफ होम ग्रोन एडेबल ऑयल प्रोडक्शन इज, है ना, कंट्रीब्यूटेड बाय मस्टर्ड, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, है ना, तो ये फंडा है बॉस। स्टेट्स नीड टू, है ना, रेस्पेक्ट जोनलिज्म नॉर्म्स, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे टू कैटर टू 50,000 हेक्टेयर ऑफ प्लांटेशन अ कंपनी हैज टू इन्वेस्ट कितना, 2,000 करोड़, है ना, 2,000 करोड़ भैया, मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो एक फार्म कैन यू नो बेसिकली स्टार्ट रिकॉपिंग इट्स इन्वेस्टमेंट, है ना, एंड कैन मेक प्रॉफिट, मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब 10 साल के बाद। तो फार्मर्स के लिए ये काफी बड़ी समस्या है, एवरी फार्मर कैन नॉट अफोर्ड इट, है ना, स्मॉल और मार्जिनल, है ना, स्मॉल और मार्जिनल ऑयल सीड ग्रोअर्स जो है उनको यहाँ पर एक्सक्लूड कर रखा है हमने। क्रॉप इज, है ना, सूटेड फॉर रिच लार्ज लैंड ओनिंग फार्मर, है ना, छोटे फार्मर्स के लिए नहीं है, ठीक है सर। आगे की बात करें, आगे की बात करें जी, चलें आ जाओ, आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं।
शिक्षक पर्व है ना, शिक्षक पर्व। अब भैया क्या है ये, भैया शिक्षक पर्व नाम से ही पता चल रहा है, फिर भी पूछ रहे हो क्या है। तो बेसिकली सेलिब्रेटिंग है ना द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स, सेलिब्रेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स, साथ ही साथ शिक्षक पर्व का जो सेलिब्रेशन है ये टीचर्स को एनकरेज करेगा किस चीज के लिए जी, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के, है ना, टू एंश्योर नॉट ओनली कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल बट टू इम्प्रूव क्वालिटी, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या करने में हेल्प करेगा जी, शिक्षक पर्व जो है वो आपको है ना सस्टेनेबिलिटी लाने में, टीचिंग की क्वालिटी इंप्रूव करने में इसमें हेल्प करेगा सर। तो अभी एक तो शिक्षक पर्व, एक दूसरा पर्व चल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, तो शिक्षा से रिलेटेड काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए, एक बार फटाफट से आपको दिखा देते हैं। उनमें से एक है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, साइन लैंग्वेज है ना, साइन लैंग्वेज जो स्पेशली प्रिविलेज लोग यूज करते हैं। ठीक, तो डिक्शनरी इज लॉन्च बाय इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ऑफ DPWD, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसके अंदर 10,000 वर्ड्स हैं एंड ऑल्सो अकम्पनीड बाय द लॉन्च ऑफ टॉकिंग बुक्स है ना, ऑडियो बुक्स जो विजुअली इम्पेयर्ड है ना, जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए टॉकिंग बुक्स मतलब ऑडियो। ठीक है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिशन फ्रेमवर्क SQAAF भी हमने शुरू किया, ये CBSE का है बेसिकली है ना। तो इसमें जो इनइक्वालिटी है उसको ब्रिज करने का काम है ना, विल हेल्प इन ब्रिजिंग इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। दिस वुड एड्रेस जो डिफिशियंसी है ना ऑफ एब्सेंस ऑफ अ कॉमन साइंटिफिक फ्रेमवर्क है ना। चलिए इसके डायमेंशंस में आप पीडेगॉजी असेसमेंट है ना सारी चीजें आ जाएंगी। पीडेगॉजी मतलब जो टीचिंग अप्रोच या मेथोडोलॉजी। निष्ठा एक प्रोग्राम है हमारा है ना, तो ये बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, फॉर निपुण भारत, तो इट इज एम्ड एट ट्रेनिंग टीचर्स है ना और न्यू सिस्टम्स एंड टेक्निक्स, नए नए सिस्टम और टेक्निक के बारे में। एक विद्यांजलि पोर्टल है ना, दिस इज यूज्ड फॉर फैसिलिटेटिंग एडुकेशन वॉलेंटियर्स। आपको इच्छा हो कि भैया मैं वॉलेंटियर करूं है ना स्कूल्स में जाकर, तो विद्यांजलि पोर्टल है उसके लिए। ठीक, CSR कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं स्कूल के डेवलपमेंट के लिए। तो इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द कंट्री है ना टू अचीव सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास विद सबका प्रयास। ठीक है, ये लास्ट टर्म ध्यान रखना, सबका प्रयास, ये फंडा है बॉस। एंड डियर करके भी एक इनिशिएटिव हम लोग चला रहे हैं, राइट, क्या नाम है जी, एंड डियर। एंड डियर क्या है, नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर है ना। तो ये जो है ये सुपर कनेक्ट की तरह काम करेगा बिटवीन वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज है ना, इन द सेम वे एज UPI इंटरफेस है ना, रिवोल्यूशनाइज द बैंकिंग सेक्टर। इट विल प्ले अ मेजर रोल इन इरेडिकेटिंग इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एंड इन मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अलॉन्ग विथ दीज इनिशिएटिव PM ऑल्सो अर्ज्ड द प्राइवेट सेक्टर टू कम फॉरवर्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से भी कहा कि आप आइए आगे बढ़िए और क्या कीजिए है ना, आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है सर, ये बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की है ना, ड्यूगोंग यानी कि सी काओ, ड्यूगोंग है ना कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बन रहा है जी। ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है तमिलनाडु के अंदर है ना, 500 स्क्वायर किलोमीटर ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ, पाक बे में। तो इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है ये। ड्यूगोंग ऑल्सो कॉल्ड अ सी काउ है ना, इज अ हर्बीवोरस मैमल। ठीक है, दे कैन ग्रो अप टू 3 मीटर्स लॉन्ग है ना, 3 मीटर लंबे एंड अबाउट 300 किलोग्राम। और ये कहाँ रहते हैं जी है ना, लिव फॉर अबाउट 65 to 70 ईयर्स है ना, जहाँ पे सी ग्रास हो वहां पे। ड्यूगोंग को हम लोग बोलते हैं सी काउ, तो ये सी गाँव के आस सी ग्रास के आसपास रहते हैं, सी ग्रास पे ही ग्रेजिंग करते हैं, वहीं मिलेंगे आपको है ना, और सरफेस पर आते हैं ये ब्रीद करने के लिए, मैमल है। ठीक है, हैबिटेट अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 कंट्रीज है ना, और इन इंडिया ऑल्सो, तो सीन इन गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे है ना, अंडमान निकोबार, यहाँ पर ये मिलता है। डाइट की बात करें इसकी है ना, क्या खाते हैं जी, तो मेनली सी ग्रास पर डिपेंडेंट है, इसीलिए उसके आसपास ही आपको मिलेगा। पॉपुलेशन की बात करें तो 2013 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसका सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ और सिर्फ 200 ड्यूगोंग है ना, देयर वर ओनली 200 ड्यूगोंग्स इन गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात। ठीक, कंजर्वेशन
कि अगर हम बात करें तो IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स वन में आता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है भैया, तो ये मैरीन इकोसिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट है ना कंपोनेंट है, क्योंकि इनका डिप्लीशन जो है इससे, अब चूंकि ये सी ग्रास को खाते हैं तो पूरा पूरा फूड चेन जो है इससे प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। इनके लिए कुछ थ्रेट है क्या, कोई इनको है ना अलार्म बज रहा है क्या इनके लिए? बोले बिल्कुल बज रहा है जी, है ना। सी ग्रास हैबिटेट का लॉस हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन है, डिग्रेडेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम है ना, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से, तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। डुगोंग्स आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंटल है ना एंटेंगलमेंट इन द फिशिंग नेट, है ना, फिशिंग नेट में फंस जाते हैं, बोट्स वगैरह के साथ इनका है ना कोलिजन वगैरह हो जाता है। अगला अपडेट जो है वो है एल सेल्वाडोर से संबंधित। एल सेल्वाडोर ने है ना, एल सेल्वाडोर ने क्या कर दिया जी, है ना, अभिगन्य काशी झा, गुड मॉर्निंग जी सभी को, फुरकान अंसारी पासवान साहब गुड मॉर्निंग, एल सेल्वाडोर है ना ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी बना दिया, और ऐसा करने वाला एल सेल्वाडोर जो है वो पहला देश बन गया है पूरी दुनिया का, है ना, फर्स्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। दिस मीन्स कि बिजनेसेस जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में पेमेंट अलॉन्ग साइड द यूएस डॉलर, ठीक है, विच हैज बीन एल सेल्वाडोर ऑफिशियल करेंसी सिंस 2001, है ना। तो एल सेल्वाडोर का ऑफिशियल करेंसी भी आपको याद रखना है वो है यूएस डॉलर, और अब है ना लीगल करेंसी का टैग वहां पे है ना किसको मिल गया, बिटकॉइन को मिल गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिटकॉइन एल सेल्वाडोर में पहले भी यूज हो रहा था, है ना, बट पहले लीगल नहीं था, अब वो मैंडेटरी हो गया कि भैया कोई दे तो लेना पड़ेगा, है ना, कोई दे तो लेना पड़ेगा। एग्जम्पशन सिर्फ उनको मिला है, ऐसे शॉप्स ऐसे बिजनेसेस जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, है ना, बाकी लेना पड़ेगा लीगल करेंसी। तो क्या क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहली जो रेमिटेंस ट्रांजेक्शन का कॉस्ट है वो घटेगा, है ना, जो एल सेल्वाडोर है वो लगभग लगभग 400 मिलियन डॉलर बचा पाएगा प्रतिवर्ष, है ना, ऑन कमीशंस फॉर रेमिटेंसेस। द रेमिटेंस फ्लोज इन एल सेल्वाडोर आर फंडामेंटल सिंस दे रिप्रेजेंट 24% ऑफ इट्स जीडीपी, तो उस पे कॉस्ट बचेगा। फाइनेंशियल डेमोक्रेटाइजेशन होगा, है ना, डिजिटल करेंसी अगर हम अपना लेंगे तो दिस वुड है ना डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, है ना, लगभग 70% एडल्ट पॉपुलेशन जो है उस देश की उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, है ना, 70% के पास बैंक अकाउंट नहीं है सर, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बड़ा चिन्ह लगा हुआ था, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, तो अब डिजिटल करेंसी अगर यूज करना शुरू कर देंगे तो शायद थोड़ा सा बैलेंसिंग हो जाएगा, है ना। कंज्यूमर के पास ज्यादा ऑप्शन होगा, है ना, द क्रिप्टो करेंसी कुड ऑफर मोर ऑप्शंस टू द कंज्यूमर्स। पोटेंशियल टू अट्रैक्ट FDI, है ना, एल सेल्वाडोर जो है वो FDI अट्रैक्ट कर सकता है इन पेमेंट प्लेटफॉर्म, है ना, डेवलपर्स, ATM मैन्युफैक्चरर्स, बिटकॉइन माइनर्स, ठीक है। तो FDI भी यहाँ पे एल सेल्वाडोर के अंदर में आने के प्रोस्पेक्ट्स हैं। क्या कंसर्न्स हैं बिटकॉइन के बनाने में, एक लीगल टेंडर हमने मतलब एल सेल्वाडोर ने बनाया, क्या कंसर्न है? बोले एक तो है ना कार्बन फुटप्रिंट की अगर हम बात करें तो एल सेल्वाडोर बिटकॉइन प्लान has put a spotlight on the environmental impact of cryptocurrencies as extracting digital currency from cyberspace require large amount of energy, है ना, energy की ज़्यादा requirement है, तो Bitcoin industry से जो global CO2 emission है वो आप देखेंगे बढ़ चुका है ना, global CO2 emission वहाँ से ज़्यादा निकल रहा है। Regulations, है ना, in absence of central regulating authority legalizing Bitcoin will have the potential for fraud and money laundering, high energy cost and extreme volatility, ठीक है। तो आपको मार्केट में फ्लक्चुएशन भी देखेगा, देर आर डाउट्स है ना ओवर हाउ कंट्री विल अवॉइड रिस्क, है ना, लिंक टू शार्प फ्लक्चुएशन इन द डिजिटल करेंसी, क्योंकि डिजिटल करेंसी में लिंक फ्लक्चुएशन तो बहुत आता है जी, उससे कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। फिर लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा एग्रीप्रीनियरशिप से रिलेटेड है। तो नीति आयोग ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गुजरात के साथ मिलकर है ना MBA प्रोग्राम शुरू किया है एग्रीप्रीनियरशिप में और वैल्यू चेन मैनेजमेंट में। इट इज यूनिकली डिजाइंड कोर्स दैट विल प्रोवाइड ग्लोबल एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, है ना। तो प्रोग्राम कौन ऑफर कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये गुजरात यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। एग्रीप्रीनियरशिप क्या है ये भी समझ लेते हैं। एग्रीप्रीनियरशिप मतलब एग्रीकल्चर प्लस एंटरप्रीनियरशिप। तो दिस इज अ प्रोसेस जो कि नए मेथड या टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर लेकर आता है,
या एग्रीकल्चर से संबंधित जो एलाइड सेक्टर वहां लेकर आता है। इसमें आपको एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है ना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्री बिजनेस है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। वैल्यू चेन मैनेजमेंट तो आपको पता ही है ना, तो वैल्यू चेन मैनेजमेंट जो फार्म से मार्केट के बीच का सप्लाई चेन है, दैट इज वैल्यू चेन में है ना, उनका मैनेजमेंट। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। वी विल मीट एट 7 PM टुडे। कल 7 PM पे हमारी क्लास नहीं हुई थी, आज होएगी है ना, तो आज आप मिल सकते हैं मुझे 7 PM पे। ठीक है, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, आज होगी, तो आज आप मेरे से मिल सकते हैं। इसके अलावा जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस है ना, द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्राइस हैज बेसिकली है ना, इज अबाउट टू इंक्रीज, नॉट इंक्रीज येट, बट आप उससे पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इससे पहले कि प्राइसेस बढ़े है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है, प्री कम मेंस के बैचेस, ऑप्शनल के बैचेस, टेस्ट सीरीज, बुक्स है ना, गाइडेंस, सब कुछ आपको मिल रहा है। बस आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय इस कोड का प्रयोग करना है, DN लाइव कोड का। ठीक है, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। लास्ट मंथ है ये प्राइस इंक्रीज, से पहले कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए है ना। यू कैन टेक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन फॉर 49,000 एंड इन 49,000 यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग है ना, सब कुछ मिलेगा आपको 49,000 के अंदर, तो गो फॉर इट। 55,000 इज फी, बट जब आप कोड अप्लाई करके लेंगे, DN लाइव कोड अप्लाई करके, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में और 2 ईयर का 71 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, प्लस ये आइकोनिक आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आइकोनिक ले रहे हैं तो उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट का एनालिसिस, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। आप चाहें तो सिर्फ है ना GS का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सिर्फ GS का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यू कैन टेक इट फॉर 64,000 फॉर 2 ईयर्स एंड 44 फॉर 1 ईयर। सिमिलरली आइकोनिक का भी ले सकते हैं आप, सिर्फ मैंने आइकोनिक GS का, आइकोनिक का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, बट देखो 44,000 1 ईयर GS का फी है ना। 1 ईयर ऑप्शनल का फी कितना है जी, 1 ईयर ऑप्शनल का फी है 24,000। ठीक है, बट अगर आप GS और ऑप्शनल दोनों लेते हो तो फी कितना है, ओनली 49,000। सो वॉट इज द बेस्ट थिंग टू डू, 49,000 में यू टेक बोथ। कोड आपको यही यूज करना है, चाहे आपको कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेना। DN Live कल से काफी सारे बैचेस शुरू हुए हैं, यू कैन ज्वाइन। टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, यहीं पे आपको